हाय एवरीवन, कल का जहाँ पे अपन ने जहाँ पे लेक्चर छोड़ा था, कल वाला वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखिए, ये कंटिन्यूड सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, कंटिन्यूड प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। तो इसमें आपको एक पैटर्न दिखाई देता है इस तरह के क्वेश्चन में। अभी ये जेई 99 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, है ना, पुराना क्वेश्चन है ऑल्दो, बट ऐसे कंसेप्ट रिपीट होते रहते, कंसेप्ट रिपीट होते, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है कभी भी, कंसेप्ट रिपीट होता है। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 1 प्लस sec थीटा, 1 प्लस sec 2 square थीटा, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जा रहा है, 1 प्लस sec 2 की पावर n थीटा सीरीज बन रही है बहुत प्यारी सी। और मैंने आपको क्या बताया, ये जो sec है ना, मेरे को पसंद ही नहीं है। मैं आपको बोलता रहा हूँ, जो मेरे को पसंद नहीं है उसको आप भी पसंद मत रखो। तो एफ एन थीटा आपको क्या बोला, फिर ऑप्शन में देखो f2 π/16, तो आप f2 थीटा निकालो, उसमें थीटा की जगह π/16 रख दो, ये बोला गया है। f3 थीटा निकालो, उसमें थीटा जगह π/32 रखो। तो कोई बात नहीं, हम fn थीटा निकाल देंगे और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली बात तो मैंने आपको बोला कि मेरे को सेकेंड थीटा पसंद नहीं है, मैं sec को cos बना देता हूँ। तो tan ऑफ थीटा बाई टू 1 प्लस sec थीटा, है ना। देखो यहाँ पे बेटा क्या लिखा, 1 प्लस sec थीटा, तो 1 प्लस sec थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos थीटा upon cos थीटा। ठीक है, किसी को अगर फड़फड़ाहट हुई है तो समझ जाना मैंने एलसीएम लिया है ना, बच्चों वाली बात नहीं करना आपने को। सेक को क्या लिख दिया, 1 बाय cos, फिर एलसीएम ले लिया, cos प्लस 1 upon cos, वही तो लिखा हुआ है, cos plus 1 upon cos। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे क्या चल रहा है, 1 प्लस sec 2 थीटा, तो 1 प्लस sec 2 थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2 थीटा upon cos 2 थीटा। एकदम डर लग गया क्या कि सर कैसे लिखा आपने, भाई मेरे sec 2 थीटा को 1 बाय cos 2 थीटा लिख दिया मैंने, है ना, फिर एलसीएम ले लिया। अच्छा, ऐसे करते करते मैं ये सिलसिला बहुत आगे तक ले जा सकता हूँ, 1 प्लस sec 4 थीटा। अच्छा, लेट अस वेट हियर, 2 square थीटा, यहाँ पे अपन वेट करते हो, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। शांति से सॉल्व कर रहे हैं अपन। ये क्या लिखा है, टैन थीटा बाई टू, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। अच्छा, ये वन और कॉस, क्या बात है सर, ये तो लव स्टोरी। मनी मन में बोलेंगे क्या है ये, 2 cos square theta by 2 minus 1, और 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 cos square theta by 2, क्या बचा, 2 cos square theta by 2, और नीचे क्या है, cos theta। ठीक है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ तो ये बच्चा रोने लग जाता है। 1 plus cos 2 theta cos 2 theta, और 1 प्लस, अच्छा ये मैंने डॉट 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 करके लास्ट वाला टर्म लिखा नहीं है, बट इतना अपन क्या इतने गधे नहीं है ना, इतना अपने को समझ में आता है। sec 2 square theta 1 plus sec 2 की पावर में n theta। हाँ जी, तो क्या करेंगे अपन बताइए, ये cos square theta by 2 और cos theta by 2 कट जाएगा, ऊपर देखो क्या बन रहा है, 2 sin theta by 2 cos theta by 2, ये पूरा का पूरा आइटम क्या है, दिस इज साइन ऑफ थीटा, है ना। मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, देखो मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ इस कारण लिख रहा हूँ, वरना नहीं लिखता मैं, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2। ओके, ये क्या होता है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला, वही तो बन रहा है ऊपर, 2 भी है, साइन थीटा बाई 2 भी है और कॉस थीटा बाई 2 भी, तो ये तो मस्त एकदम साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा। आंसर याद है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भूलना नहीं होता है अमर, हमेशा आपको वहीं के वहीं दिमाग लगाना है। और देखो इधर, इधर देखो क्या लिखा है, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। तो एक बात बताओ यार, देखो मुझे आप, है ना, अगर ईमानदारी से आगे देखोगे तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है बेटा। एक बार आप ईमानदारी से देखो कि यहाँ पे चल क्या रहा था, हम लोगों ने ये 2 की पावर में 1 है, आपको क्या बोला गया है कि 2 की पावर में n तक ले जाना है। अगर n का वैल्यू मैंने 2 रखा तो मतलब मैं यहाँ तक सॉल्व करना चाह रहा हूँ, बस सोच के देखो, आसान बात है बहुत। अरे भाई, f2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 2 मतलब sec 2 की पावर 2 मतलब यहीं तक बस, है ना।
तो 2 की पावर 2 मतलब यहीं तक सॉल्व करना है आपको, 2 की पावर 3 मतलब एक आगे तक ले जाना है, 2 की पावर 4 तक मतलब एक और आगे तक ले जाना है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो, चलो मैं क्या करता हूँ ना, इसको सॉल्व कर ही देता हूँ। आगे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है ये वाला टर्म 1 cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा। ये 1 cos 2 थीटा को मैं 2 सेकंड में, विद इन 2 सेकंड्स आई कैन राइट इट एज 2 cos² थीटा। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला है भाई फॉर्मूला। और नीचे cos ऑफ 2 थीटा, तो देखो डिश क्या आओ डिश क्या आओ, ऊपर क्या बना 2 sin थीटा cos थीटा। ये तो कुछ खूबसूरत होता है, कुछ खूबसूरत होता है ना। अच्छा आगे वाला टर्म क्या है, 1 plus sec 2 square मतलब 1 plus cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा। 2 square मतलब 4 होता है ना, रोने वाली बात तो नहीं है यहाँ पे कोई। ये जाएगा 1 plus sec 2 की पावर n थीटा है ना, थोड़ा बोलने में मुश्किल है बट ठीक है, चलिए वेरी नाइस। अच्छा ये क्या, sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू 2, ये बन जाएगा sin 2 थीटा, और नीचे cos 2 थीटा ऑलरेडी है, कॉस 2 थीटा ऑलरेडी। अब यार मैं ना समझ गया, मैं समझ गया कि जब हम देखो देखो एक बार यहां से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको बेटा। ये 2 की पावर 1 तक सॉल्व किया ना मैंने, जब मैंने 2 की पावर 1 तक सिर्फ यहां तक सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, दैट इज tan 2 थीटा, दिस इज नथिंग बट tan of 2 थीटा। तो मेरे को ये समझ में आया कि मैंने 2 की पावर 1 तक, 2 की पावर 1 तक सॉल्व किया अगर मैंने, तो मेरे को क्या मिलेगा, tan 2 थीटा मिलेगा है ना। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा 2 की पावर 2 तक सॉल्व करूंगा तो क्या मिलना चाहिए मुझे, tan 2 square थीटा मिलना चाहिए, ऐसा मुझे अंदाजा लग रहा है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 2 square तक सॉल्व करोगे तो tan 2 square थीटा आएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 तक सॉल्व करा तो tan 2 की पावर 1 थीटा आया। तो 2 square तक सॉल्व करोगे तो tan 2 square थीटा आएगा, एन तक सॉल्व करोगे तो tan n tan की पावर सॉरी ये आ जाएगा ना, मतलब tan 2 की पावर n थीटा आ जाएगा। मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है मेरे को देख के कि 2 की पावर 1 तक सॉल्व करने पे 2 थीटा आ रहा है। 2 तक सॉल्व करके एक बार देख ही लेते हैं। चलो ये वाला आइटम tan 2 थीटा बना है ना, अच्छा इसको खोलोगे तो क्या लिखा है, 2 cos² 2 थीटा, 2 cos² 2 थीटा अपॉन नीचे क्या लिखा है, cos 4 थीटा, ठीक है, डॉट 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 1 plus sec 2 की पावर में n थीटा। ठीक है, बस ये वाला स्टेप आप देख लेना, क्वेश्चन खत्म हो गया है, चारों पार्ट इसके एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos 2 थीटा cos 2 थीटा कटा, ऊपर 2 cos 2 थीटा sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा sin of 2 थीटा का भी डबल, दैट इज 4 थीटा। बच्चों वाली बातें चल रही एकदम, cos 4 थीटा। बेटा देखो ये चीज़ क्या बन गई अभी, ये बन गया tan of 4 थीटा। tan of 4 थीटा बना या नहीं बना, बिल्कुल बना सर। तो tan of 4 थीटा को क्या मैं tan 2 square थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर आपने देखो 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 2 square तक सॉल्व किया तो आपको tan क्या मिला, 2 square थीटा, मतलब 2 cube तक सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, tan 2 cube थीटा। समझ रहे हो ना, 2 cube तक सॉल्व करोगे तो आपको tan 2 cube थीटा मिलेगा, 2 की पावर 4 तक करोगे तो tan 2 की पावर 4 मिलेगा, और 2 की पावर n थीटा तक करोगे तो आपको tan 2 की पावर n थीटा मिल जाएगा। मतलब ये पूरा जो सॉल्यूशन अपन करेंगे इसका, जब लास्ट तक अपन सॉल्व कर लेंगे ना इसको, कहाँ तक, 1 plus sec 2 की पावर n थीटा तक अगर अपन ने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा tan 2 की पावर में n थीटा, ये आ जाएगा आपका fn थीटा। ये मैंने जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करा है एन के टर्म्स में। ओके, देर वॉज अ लिटिल बिट ऑफ बफरिंग, ठीक है बफरिंग अभी ठीक हो गई है। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि अगर अपन ने 2 की पावर 1 तक सॉल्व किया था तो आपको क्या मिला था, आपको मिला था सिंपली टैन थीटा, देखो है ना, 2 की पावर 1 तक सॉल्व किया था तो आपको tan 2 थीटा मिला था, 2 की पावर 2 तक अपन ने जब सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, tan 2 square थीटा मिला, 3 तक सॉल्व करेंगे अगर तो tan 2 cube थीटा मिलेगा, 4 तक सॉल्व करेंगे tan 2 की पावर 4 थीटा मिलेगा, n तक सॉल्व करेंगे tan 2 की पावर n थीटा मिलेगा। हो गया, n तक ही सॉल्व करना है आपको, दिस इज योर आंसर। अब आपको क्या बोला गया है कि f2 निकालो और उसमें π/16 रख दो, तो f2 तो अपन निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है f2 निकालो, ये रहा मेरा f2 है ना,
F2 थीटा मतलब दुनिया में जहां जहां N4 नालायक है वहां वहां आप 2 रख दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर में 2 मतलब 4, 4 थीटा। अच्छा बेटा यहाँ पे अपने को अब ये आ गया F2 थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 16 रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, तो थीटा की जगह पाई बाय 16 रखेंगे तो F2 पाई बाय 16 क्या आ जाएगा अपने पास, टेन ऑफ 4 टाइम्स पाई बाय 16 विच गिव्स अस अ वेरी ब्यूटिफुल वैल्यू ऑफ टेन पाई बाय 4। टेन पाई बाय 4 1 होता था और आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, रुक मत जाना फर्स्ट के बाद भाई, मोर देन वन करेक्ट चल रहा है ना। सो F3 थीटा निकालना है, F3 निकालो उसमें पाई बाय 32 रख दो, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सेज कि Fn थीटा में आप F3 कैसे निकालोगे, n की जगह 3 रख दो, टेन टू क्यूब थीटा है ना। अच्छा थीटा की जगह आपको पाई बाय 32 रखने को, मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन वाला कह रहा है ना, क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप थीटा की जगह पाई बाय 32 रख दो, तो टेन ऑफ 8 टाइम्स पाई बाय 32 तो ये आ जाएगा आपके सामने क्या, टेन ऑफ क्या होता है 8 4 32 तो पाई बाय 4 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, करेक्ट है, सारे 1 आ रहे वैसे तो सारे 1 आएंगे, आप चेक कर लेना, सी और डी ऑप्शन भी आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सी ऑप्शन में वैसे क्या क्या रहा है, F4 और F5, पाई बाय 64 रखना है, अरे काफ़ी आसान है, F4 थीटा अगर आप निकालोगे तो F4 थीटा आ जाएगा 10 ऑफ 2 की पावर में 4, 2 की पावर में 4 कितना होता है 16 है ना, तो 16 थीटा, अब आपको थीटा की जगह पाई बाय 64 रखने को कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन वाला कह रहा है, तो ये आ जाएगा 10 ऑफ 16 पाई बाय 64, तो 16 4 64, 10 पाई बाय 4 इज 1, और ये आ जाएगा F5 थीटा, F5 थीटा हो जाएगा 10 ऑफ 2 की पावर 5 दैट इज 32, यहाँ पे थीटा की जगह आपको पाई बाय 128 रखने को कहना है, मतलब मैंने नहीं कहा है क्वेश्चन वाले ने कहा है, तो रख देते हैं अपन पाई बाय 128, तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 ऑफ 32 टाइम्स पाई बाय 128, आई बिलीव ये भी 4 टाइम्स आ जाएगा, तो 10 पाई बाय 4 इज अगेन 1, चारों 1 आ रहे हैं ना, तो आपके चारों ऑप्शन सही है, सो इट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन, काफ़ी आसान भी है, एकदम स्लिम शॉर्ट जरा से मैं आप सॉल्व कर सकते हो उसको, 2 सीरीज सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि 2 की पावर 1 तक सॉल्व करने पे 10 ऑफ 2 की पावर 1 थीटा आता है, 2 तक सॉल्व करोगे तो 10 2 की पावर 2 आएगा, फिर अपन समझ गए कि n तक सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर n आएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया है ना, शांति से सॉल्व किया ना अपन ने, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यार देखो एडवांस में आपको क्वेश्चन सारे नहीं करने हैं, लेकिन जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसको सही करना है ना, अगर आपने 12-13 क्वेश्चन भी करे तो सारे सही हो गए तो आपकी लॉटरी निकल जाएगी भाई, हर क्वेश्चन में आपको 3-3 या 4-4 नंबर होता है, कभी कभी 5-5 भी होता है सब्जेक्टिव हो अगर तो, ठीक है, द एक्सप्रेशन, अब देखो एक्सप्रेशन क्या है, चलो पहले ये वाला कर लेते फिर वो वाला करेंगे, साइन की पावर 4 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा प्लस साइन की पावर 4 3 पाई प्लस अल्फा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल दिखेगा आपको, बस अपीयरेंस इसका ज्यादा बड़ा है, माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ साइन की पावर 6 पाई बाय 2 प्लस अल्फा और साइन ऑफ 5 पाई माइनस अल्फा की पावर में 6 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, सो वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है आपके पास 0, दूसरा ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन इज 3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज साइन 4 अल्फा प्लस कॉस 6 अल्फा, ठीक है, ये भी जेई का क्वेश्चन है, मेरे को ईयर याद नहीं है, दिस इज डेफिनेटली क्वेश्चन ऑफ जेई
है ना, काफी पुराना क्वेश्चन है ये, 80s या 90s का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये देखो, आपको रिडक्शन फॉर्मूला आना चाहिए। 3π/2 का मतलब समझ में आता है आपको? 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब वर्टिकल लाइन रिडक्शन, मैंने आपको बताया था ना, वर्टिकल लाइन रिडक्शन ये होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री। वर्टिकल लाइन के रिडक्शन में कॉस बन जाता है साइन, साइन बन जाता है कॉस। अच्छा, 270 माइनस अल्फा करेंगे अगर अपन, तो अपन थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे ना, तो ये साइन है, साइन बन जाएगा कॉस। पहले लिख लेते हैं, अल्फा विल रिमेन अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टैन। तो ये तो साइन है, साइन तो नेगेटिव रहेगा, है ना, माइनस कॉस अल्फा। देख रहे हो आप, हाल की हाल सोच रहे हो अपन। अच्छा, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, 3π+α। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, 3π+α करोगे तो आप फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन के रिडक्शन में साइन रिमेन्स साइन। अच्छा, यहाँ पे पावर 4 लगाना मैं भूल गया, हालांकि माइनस कॉस अल्फा की पावर 4 आएगा ना, सोच के देखो, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो, साइन विल रिमेन साइन और पावर 4 है, तो वैसे प्लस माइनस का टेंशन मत लो, वैसे माइनस आएगा, डेफिनेटली माइनस आएगा, बट पावर में 4 है ना, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, इवन पावर है, माइनस को खा जाएगी माइनस। ओके, लेट मी इरेज दिस। फिर क्या है, π/2+α। अरे ये तो बड़ा आसान है, मन में करेंगे ना अपन, अब कर लेंगे, इतने अपन बड़े हो गए कि अपन मन में कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको कभी भी रिडक्शन फार्मूला रटने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं रट पाया वो मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को रटने के लिए नहीं बोलता हूँ। हम लोग वहीं के वहीं सोचेंगे, π/2+α हॉरिजॉन्टल लाइन, साइन विल बिकम कॉस, एंड पावर में 6 है, तो फर्क नहीं पड़ता कि माइनस आया प्लस आया, बट फिर भी माइनस तो नहीं आएगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर 5π-α फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट है। 5π मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, अल्फा विल रिमेन अल्फा, साइन विल रिमेन साइन। ओके, और पावर में 6 आ जाएगा। ये आपको वैल्यू निकालना है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ बच्चों, है ना। सबसे पहले क्या करो कि आप एक ट्रिक कर सकते हो कि पुट एनी रैंडम वैल्यू ऑफ अल्फा, खत्म। भाई मेरे, जब इसका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है और ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि न्यूमेरिकल आंसर है, मोर देन वन करेक्ट नहीं है, न्यूमेरिकल आंसर है, तो एक ही आंसर होगा ना। तो अगर आपको दिख रहा है कि आंसर नंबर है, फोर्थ ऑप्शन, चलो फोर्थ ऑप्शन भले ही नंबर नहीं है, बट फिर भी अपने को एक शक तो हो रहा है कि हाँ नंबर हो सकता है। अगर नंबर हो सकता है तो पुट एनी वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट एनी वैल्यू ऑफ अल्फा, और अल्फा का सबसे खूबसूरत वैल्यू 0, 0 रख दो, 0 से अपने को ज़्यादा आसान रहेगा ना, जस्ट पुट 0। देखो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1, साइन 0 0, 1 की पावर 4 और ये 3 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी रख दो कॉस 0 1, 1 प्लस 0 कितना आ गया, 1 प्लस 0 इज 1 और माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, आंसर आ गया आपका 1। ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं अपन जुगाड़। तो जुगाड़ वाले मेथड से करोगे आपका, देर इज 75% चांस कि आपका आंसर सही चले जाए, बिकॉज 25% चांस है कि ऑप्शन डी सही हो सकता है। लेकिन कभी कभी अपन ये वाला तुक्का खेल सकते हैं, है ना, कि आपको ऑप्शन कांस्टेंट दे रखा है, तो आप मान लो कि हो सकता है कि अल्फा का कोई भी वैल्यू डालो, कांस्टेंट है मतलब आप अल्फा का वैल्यू 0 डालो या फिर अल्फा का वैल्यू आप 90 डालो। चलो 90 डाल के भी देख लेते हैं, अल्फा का वैल्यू अगर अपन ने 90 डाला तो भी ना मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखो अल्फा का वैल्यू 90 डालोगे, हाँ इधर नहीं इधर, तो कॉस 90 कितना होता है 0, साइन 90 क्या होता है 1, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 3 इज 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 2 इज 2, अगेन 1, मतलब आप अल्फा का वैल्यू कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, आपका आंसर तो 1 आ रहा है, आपका आंसर तो 1 आ रहा है, बस खेल खत्म। अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो आपका आंसर 1 कहीं से भी आएगा, तो आप तुक्के से कर लो। अगर आपको शांति से करना है एकदम अच्छे से डिटेल्ड वे में, तो ये तो आरडी शर्मा का क्वेश्चन है कक्षा 10वीं का। देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको, 3 times क्या लिखा है, समथिंग पावर 4, समथिंग पावर 4। अच्छा शांति से देखना एक बार, है ना, कि कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। देखो देखो क्या लिखा है, इसको खोलोगे तो क्या आएगा,
साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन की पावर 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, वो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपना एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसके लिए अपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये भी कक्षा 10वीं में सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखेंगे 2 बाहर है, पावर 6 है ना, पावर 6 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप यहाँ पे लगा सकते हो, है ना। मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, अगर अपन लाइव क्लास में होते हैं, लाइव क्लास मतलब फिजिकल क्लास में होते तो मैं आपसे ही पूछता, क्योंकि मेरे को तो याद नहीं है भाई, मतलब मैं ये बहाना देता। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा देंगे, ये कॉस क्यूब का कॉस स्क्वायर का क्यूब है बेटा, देख लो ये कॉस स्क्वायर का क्यूब है ना, इसको मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर और बी क्या है साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वैसे तो 1 होता है तो लिखना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अब मैं शरीफ इंसान हूँ इसलिए लिख देता हूँ। तो साइन स्क्वायर ए ये हो गया और ये हो गया बी, है ना, साइन स्क्वायर अल्फा ए है और ये बी के बराबर है। फिर यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके। तो ये हो जाएगा आपके सामने, ये तो 1 होता है, सारी दुनिया जानती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2, ये भी 1 होता है, तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, अरे यार साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को आप ये लिख सकते हो, है ना, 2 मिनट में लिख दोगे आप, तो क्या लिखोगे आप, लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। भाई साहब साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 ही लिखा हुआ है, जो सर्कल है ना ये सर्कल क्या है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, वही चीज लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, वन सेकेंड। माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2 6, 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, ये क्या लिखा, माइनस 2 मसाला माइनस 1 मसाला माइनस 3 मसाला, और माइनस 3 मसाला इंटू 2 करोगे तो माइनस 6 मसाला आएगा, ठीक है, सॉरी प्लस 6 मसाला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, डिश क्या हूँ डिश क्या हूँ, 3 माइनस 2 इज 1, ठीक है। आप लोगों को नोट्स मिल रहे हैं ना बराबर, देखो नोट्स की आप गलत आदत मत डाल देना कि अब तो सर नोट्स देने लग गए हैं तो हम लिखे ही ना, आपने जिस दिन ऐसा करा उस दिन आपका रिजल्ट आना बंद हो जाएगा, उस दिन से आपका रिजल्ट आना बंद हो जाएगा, ठीक है। पूरी मेहनत करके आप पूरा नोट्स लिखो, मैं आपको नोट्स इसीलिए दे देता हूँ ताकि बाय चांस अगर छूट गया तो आपको उसका टेंशन ना हो। ये क्वेश्चन लिखिए पूरा, प्रूव दैट साइन एक्स इज इक्वल टू दिस कॉस एक्स अपॉन टू स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन टू क्यूब, ये जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू की पावर में एन तक, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं ना, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है।
देखो क्या है कि ये cos x की पावर 2n लिखा हुआ है, cos x अपॉन 2 की पावर n, सॉरी cos x अपॉन 2 की पावर n, इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, cos x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। तो मैं जस्ट पहले वाला टर्म खुद से लिख देता हूँ, है ना, और ये लास्ट टर्म इसको बोल देते, चलो मतलब वही चीज़ अच्छे से लिख दिया मैंने बस, ताकि अपने को थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। तो हमने बोला कि यार अपने को एक ट्रिक पता होनी चाहिए, क्या ट्रिक नहीं है वो, बेसिकली कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है कि 2 टाइम्स साइन लफड़ा इंटू कॉस लफड़ा, ये क्या होता है, ये होता है साइन ऑफ 2 लफड़ा, ये सबको पता है ना, 2 साइन लफड़ा कॉस लफड़ा क्या होता है, साइन ऑफ 2 लफड़ा। तो हमने बोला कि यहाँ पर लफड़ा दिख रहा है अपने को, देखो ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है सेम एंगल है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो एक बार, जो लास्ट वाला एंगल है, सॉरी ये वाली सीरीज पूरी कॉस की है ऐसा देखो आप, है ना, और एक साइन है, स्टार्टिंग में बस एक साइन दिया हुआ है अपने को, बाकी पूरा कॉस का सीरीज है। तो हमने बोला कि यार इसमें से अपन ने क्या करा कि एक बार 2 चाहिए अपने को, फिर साइन ऑफ सेम एंगल और कॉस ऑफ सेम एंगल का साइन कॉस मिल जाए और 2 मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो 2 तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, 2 की पावर n है, तो एक एक 2 चुराते जाओ उसमें से। आप क्या करो इसमें से एक 2 चुरा लो, एक 2 अगर आप चुरा लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 की पावर में यहाँ पे n माइनस 1 बचेगा, ये चीज़ हो जाएगी 2 टाइम्स साइन ऑफ x अपॉन 2 रेज टू द पावर n। और ये लास्ट वाला कॉस जो है इसको पहले लिख दो मल्टीप्लीकेशन में, तो कुछ भी कर सकते हैं अपन, एक्स अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। अच्छा, और ये वाली जो सीरीज है कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, तो कॉस ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 क्यूब, लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स बाय 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पे साइन एक्स ना लिखूं, हमको बस एल एच एस आर एच एस बराबर करना है। मैं आर एच एस से स्टार्ट कर रहा था। अच्छा बेटा देखो इधर, ये जो ब्लू इंक से लिखा है मैंने, इस ब्लू इंक से जो लिखा है मैंने वो क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन जा रहा है वो, है ना। तो 2 की पावर में n माइनस 1, ये वाली चीज क्या बन गई, साइन ऑफ डबल एंगल, साइन लफड़ा कॉस लफड़ा लिखा है ना, 2 टाइम साइन लफड़ा कॉस लफड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 लफड़ा। तो साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर n इंटू 2, अब ये इंटू 2 करोगे तो नीचे n-1 आ जाएगा ना, तो ये 2 हटा दो यहाँ से, 2 जब कटेगा तो n-1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, फिर इसको अपन क्या करेंगे, cos ऑफ x बाय 2 स्क्वायर cos ऑफ x बाय 2 क्यूब से लेकर कॉस ऑफ एक्स बाई 2 की पावर n माइनस 1, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब हम फिर से इनको कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, किनको कंज्यूम करेंगे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को। देखो ना बेटा सेम चीज़ है, दोनों का एंगल सेम है अगर तो जोड़ी बन जाएगी, है ना, और जोड़ी बन जाएगी अगर तो फिर से 2 साइन लफड़ा कॉस लफड़ा वाला काम हो जाएगा, और काम हो जाएगा अगर तो हम यहाँ से एक 2 चुरा लेंगे। तो होगा क्या, देखो इधर यहाँ से एक 2 चुरा लोगे अगर तो 2 एक कम पड़ जाएगा, कम हो जाएगा मतलब 2 की पावर में अब क्या आ जाएगा, n-2, और ये वाला आइटम और ये वाला आइटम जब मिल जाएगा और 2 के साथ, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, साइन ऑफ डबल एंगल। इसका डबल क्या हो जाएगा, 2, अरे यार डबल तो मन में कर लोगे ना, नीचे 2 की पावर n-2 आ जाएगा, एक्स अपॉन 2 की पावर n-2, ठीक है। तो जोड़ी जितनी बन सकती है उतने बार आपको डबल एंगल मिलेगा, तो बस अपन फिगर आउट करेंगे कि कितनी जोड़ियां बन सकती है, कॉस ऑफ एक्स अपॉन 2 क्यूब कॉस ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर n-, ओ n-1 तो जा चुका है, तो n-1 के पहले क्या रहा होगा वो सोचना है, डेफिनेटली n-2 है ना, एक कम नंबर रहा होगा। ओके, बस अभी अपन समझ गए कि जितनी जोड़ी बनेगी उतना ये कम होता जाएगा, है ना, ये ऐसे
धीरे 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 श्रिंक होता जाएगा, ये पूरा है, फिर ये दो जोड़ी निकल जाएगी, फिर और छोटा, फिर और छोटा और छोटा, लास्ट में कोई बचेगा, है ना। तो हमने बोला कि कितनी जोड़ियाँ बन सकती है बस उतना देख लो आप। तो चलो देखते हैं कितनी जोड़ी बन सकती है। जोड़ियाँ बन सकती है इसमें, एक तो अपन ने 2 की पावर n से स्टार्ट करा, सही बात है, 2 की पावर n और 2 की पावर n एक जोड़ी वो बन गई, एक जोड़ी 2 की पावर n की बनी, फिर एक जोड़ी बनी 2 की पावर n-1 की। अभी देखो ना, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 इनकी जोड़ी बनाई थी मैंने, है ना। फिर 2 की पावर n-2 और n-2 की जोड़ी बनाऊंगा मैं। तो मैं समझ गया कि 2 की पावर n-1 की बनी, 2 की पावर n-2 की जोड़ी बनी, 2 की पावर n-3 की भी बनेगी, 2 की पावर n-4 की भी बनेगी। अच्छा, ये चीज़ चलता चला जाएगा, ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक जोड़ियाँ बनेगी। तो जोड़ियाँ जो है 2 की पावर 4 तक भी बनेगी। अच्छा, 2 की पावर 4 नहीं लिखते, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2 की पावर 3 की भी बनेगी, 2 की पावर 2 की भी बनेगी, 2 की पावर 1 की भी बनेगी। अरे देखो, सब अवेलेबल है यहाँ पे, 2 की पावर 1 भी अवेलेबल है। तो कितने लोग अवेलेबल थे, 1, 2, 3, 4 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक कितने लोगों के, n, कितनी जोड़ियाँ बन जाएगी, जितने लोग हैं। तो n जोड़ियाँ बन जाएगी, n जोड़ियाँ बन जाएगी अगर, तो आप अगर देखेंगे ना, आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि n जोड़ियाँ बनेगी। और फर्स्ट जब पहली जोड़ी बनी थी, जब पहली जोड़ी बनी थी तो आपके पास 2 की पावर में क्या बना था, n माइनस 1, फर्स्ट जोड़ी में n माइनस 1 और यहाँ पे भी n माइनस 1। सेकेंड जोड़ी जब कंज्यूम हो गई थी तो n माइनस 2, n माइनस 2। थर्ड जोड़ी में क्या आ जाएगा, डेफिनेटली n माइनस 3, n माइनस 3। nth जोड़ी में क्या आ जाएगा, 2 की पावर में n माइनस 2 और यहाँ पर साइन जो है ना, जो साइन है वो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स अपॉन, वही होता है यहाँ पे, अगर n माइनस 2 है तो यहाँ पे भी n माइनस 2 है, तो वही वाली बात है, यहाँ पे अगर n माइनस n है। अच्छा, nth जोड़ी में क्या आ जाएगा, n माइनस n आ जाएगा, मैंने गलती से n माइनस 2 बोल दिया, nth जोड़ी में n माइनस n आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 की पावर में n माइनस n, ठीक है, 2 की पावर में n माइनस n। ये सब कंज्यूम हो जाएगा बेटा, देखो ना, ये और ये कंज्यूम हो जाएंगे, नेक्स्ट टर्म में ये जो भी बनेगा इसके जस्ट पहले वाले से कंज्यूम हो जाएगा। तो वो आपको फील आना चाहिए कि हाँ भाई, पेयरिंग हो रही है और सबको ही कंज्यूम होते जा रहा है। जब लास्ट तक कंज्यूमशन चलेगा तो लास्ट स्टेप में nth जोड़ी जब बनेगी तो n माइनस n यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ, हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा, 2 की पावर में 0 जो कि होता है 1 और साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर में 0 1, मतलब साइन ऑफ x बचेगा, हेंस प्रूव्ड साइन ऑफ x आ रहा है, ठीक है। आपको हेंस प्रूव करने को नहीं बोलेगा, आपको ऑप्शन दे देगा वो, 4 ऑप्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या ये किस चीज़ में सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगला टाइटल लिखेंगे अपन, अब नया टॉपिक है साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट्स। ऑफ ट्रिपल एंगल्स, ठीक है, यहां से आपके फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपके फॉर्मूले जो है वो खत्म हो जाएंगे, इतने ही फॉर्मूले हैं जो अपने को पढ़ने हैं। सो दिस इज मतलब वन ऑफ द लास्ट टाइटल्स। ओके, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या, साइन ऑफ 3a का फॉर्मूला, है ना, ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin3a। लिखते जाइए, अपने को इसका कोई डेरिवेशन, अच्छा आपको डेरिवेशन करना है तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, है ना, बट मैं डेरिवेशन करके नहीं बता रहा हूँ, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है वो, मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप आराम से डेराइव कर सकते हो उसको। cos 3a होता है 4 cos3a माइनस
कॉस ए। और टेन ए, टेन ए, अरे सॉरी, टेन 3 ए, ये होता है 3 tan a माइनस 10 cube a अपॉन 1 माइनस 3 tan square a। ठीक है, बहुत आसान है, याद रखना तीन फॉर्मूले। ये मतलब आपके लिए सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन है कि दीज आर द लास्ट फॉर्मूले, इसके बाद कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इसके बाद अपने को सिर्फ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन करने हैं। दिमाग लगाने वाले मतलब इनमें भी दिमाग लगता है, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बात समझ में आ रही? अच्छा, यहाँ से हम ना कुछ कुछ कर सकते हैं। देखो देखो इधर, देखो देखो, ये साइन है, ये साइन है, इसको कॉमन ले लोगे और कॉमन लेके नीचे पहुंचा दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 3 a अपॉन साइन ए, है ना। तो ये भी आप एक तरीके से अपीरियंस याद रख सकते हो कि हाँ ऐसा अपीरियंस होता है, साइन 3 a अपॉन साइन ए, ये होता है 3 माइनस 4 sin² a। कॉस 3 a अपॉन कॉस ए, ये होता है 4 cos² a माइनस 3, दैट्स इट। देखो क्या होगा ना, कभी भी आपको ऐसा दिखे कि साइन 3 a अपॉन साइन ए, तो आप समझ जाना कि हाँ भाई ये खूबसूरत फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ से आप याद मत रखो इसको, आप बस ये याद रखो, बाकी यहाँ से यहाँ तक पहुँचना तो 2 सेकंड का काम, आप हल्के हल सोच के कर सकते हो वो चीज़। अच्छा हाँ, नहीं यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, बन सकता है लेकिन रहने दो, मत बनाओ। चलो बना ही देता हूँ अगर आप इतना बोल रहे हो तो। यहाँ से टेन है और टेन है कॉमन ले लो और उसको नीचे पहुँचा दो, तो 10 3 a अपॉन 10 a ये आ जाएगा 3 माइनस 10 square a अपॉन 1 माइनस 3 tan square a। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको बस ये फैक्ट याद रखना है कि जब भी टेन 3 a अपॉन 10 a आता है, या साइन कॉस 3 a अपॉन कॉस ए आता है, या साइन 3 a अपॉन साइन ए आता है, तो वो कुछ खूबसूरत होता है, वो कुछ फॉर्मूला होता है। बस आप इतना याद रखें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको मुबारक हो, आपके जितने भी फॉर्मूले थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर्मूले का एक चार्ट है ना, ऑल फॉर्मूला करके जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, वो चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी मैं कर चुका हूँ वैसे आपको पास्ट में, सो जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ऑल द फॉर्मूले मैंने यहाँ पे एक तरफ सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूले मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम, मेरे को क्लिक नहीं करना चाहिए था वहाँ पे, बट अब कर दिया है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। आज थोड़ा बफरिंग हुआ है अच्छा खासा। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये सारे फॉर्मूले आपको, जैसे कुछ कुछ ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले बचे अभी, एक फॉर्मूला साइन ऑफ टेन ऑफ ट्रिपल एंगल, मतलब टेन ऑफ ए प्लस बी बचा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, वो मैं बता दूंगा आपको। ट्रिक टू रिमेंबर यहाँ पे लिखा है मैंने, इसका रिवर्स ऑफ अबव भी लिखा हुआ है, तो सारे फॉर्मूले आपके पास बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, है ना। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, एक बार और कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते। तो अपन आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री जो है वो संडे टू संडे पढ़ेंगे बस, ताकि संडे भी नहीं, मतलब आई विल ट्राई कि मैं आपको सैटरडे को पढ़ा दूँ, वीक में बस एक दिन अपन पढ़ेंगे तो उससे अपना काफ़ी हो जाएगा, बिकॉज आई नीड 3 और 4 more lectures, है ना। अब मैं ये तो नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं जल्दबाजी में ख़त्म करा दूँ, मैं पढ़ाऊँगा तो आपको पूरा, है ना,
कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं, इनफैक्ट लास्ट टाइम से ज़्यादा ही क्वेश्चंस कराए मैंने, PYQs के क्वेश्चंस करा दिए मैंने जो लास्ट टाइम नहीं करे थे अपन, है ना। और इस बार अपन मॉड्यूल कर लेंगे, तो आज से अपन मॉड्यूल का होमवर्क लेंगे। SL लोनिया आप पूरा कंप्लीट कर लेना आज के दिन। चलिए, फाइंड अ वैल्यू ऑफ एट साइन क्यूब 40° माइनस 6 साइन 40°। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, है ना, 2 कॉमन आएगा पहली बात, तो फिर साइन ऑफ 40° भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 40 माइनस 3 सॉरी 4 आएगा ना इधर। अच्छा, ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये 4 और 3 वाला जो कॉम्बिनेशन होता है, आप चाहे तो लिख लो, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी 3 और 4 वाले या 4 और 3 वाले कॉम्बिनेशन होते हैं वो ट्रिपल एंगल की तरफ इशारा करते हैं, है ना। तो ये ट्रिपल एंगल की तरफ इशारा कर रहा है, तो मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ 3a, साइन 3 थीटा होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब मैं थीटा ज़रूर बोल रहा हूँ बट यहाँ पे a लिख रहा हूँ, मेरे को थीटा से याद है ना, तो ज़ुबान पे जो याद रहता है वही निकल जाता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो मुझे याद है ना, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अपन इसकी मदद ले। तो यहाँ पे लिखा है 2 साइन 40° और अच्छा देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला और लिख सकता हूँ कि साइन 3a अपॉन a क्या होता है, साइन 3a अपॉन साइन a होता है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। तो वही चीज़ लिखी हुई ना, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है, वही तो लिखा है, उल्टा लिखा है बस। तो यार माइनस ऑफ, उल्टा लिखा है इसलिए माइनस लगाया, माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। तो ये 40° का ट्रिपल क्या हो जाएगा, 120°, साइन ऑफ 3 थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और ये साइन 40 कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली आंसर बचेगा -2 × sin 120°। 120 किसका भाई होता है, 60 का भाई होता है। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, और ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फिर से √3/2 ही रहेगा, इनटू ये 2 कट जाएगा, -√3। देख रहे हो आप, हम लोग कुछ भी चीज़ याद नहीं रख रहे, बस अपन कुछ थोड़े थोड़े से अपन ने ट्रिक्स बना रखे, उसी से सारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 3a अपॉन साइन a, साइन 3a अपॉन साइन a माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस a। ये इसका वैल्यू निकालना है अपने को, तो आराम से निकाल लेंगे ना। साइन 3a अपॉन साइन a कुछ होता है, ऊपर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो क्यों ना मैं यहीं से डायरेक्टली देख लूँ। ये होता है 3 - 4 sin² a माइनस cos 3a अपॉन cos a कुछ होता है, तो क्यों ना मैं ये भी ऊपर से देख लूँ। cos 3a अपॉन cos a होता है 4 cos² a - 3 4 cos² a। टाइम बचाने के लिए ऊपर से देखा है, आप चाहे तो आराम से लिख के बार बार सॉल्व करें। बस हो गया ये सॉल्व, ये आ जाएगा 3 - 4 sin² a माइनस 4 cos² a। अच्छा ये 4 कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। सोच के देखो, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। तो ये 3 + 3 आ जाएगा 6 - 4, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a 1 होता है, 6 - 4 आ जाएगा आपके पास 2, आंसर आ जाएगा 2, ठीक। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है सारे, हम लोग अच्छी स्पीड से सॉल्व करेंगे बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा
अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा, मैं थोड़ा सा फास्ट लिखूंगा ना, आप लोग कोप अप कर लो, प्लस साइन थ्री अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। हाँ जी, तो कॉस थ्री अल्फा क्या होता है? कॉस थ्री अल्फा होता है, देखो क्या होता है, कॉस थ्री अल्फा का फॉर्मूला होता है फोर कॉस क्यूब अल्फा। अच्छा ये आपको एक ट्रिक बता देता हूँ बेटा, इधर देखो हर कोई, बहुत अच्छी ट्रिक है, मतलब मेरे को एकदम से याद आया, मैं बताना भूल गया। जब भी ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो इसमें थ्री आता है फोर आता है, क्या आता है? थ्री आता है फोर आता है। अच्छा आप लोगों को बस ये याद रखना है कि कॉस वाला फोर से स्टार्ट होता है, एक चीज़ याद रख लो, और फोर वाले के साथ हमेशा क्यूब आएगा। देखो कॉस वाले में कॉस ही आएगा दोनों बार, कॉस है ना, एक बार क्यूब आएगा एक बार लीनियर आएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कॉस फोर से स्टार्ट होता है ना, कॉस फोर से स्टार्ट होता है और फोर के साथ हमेशा क्यूब आएगा। इधर भी देखो, अब साइन फोर से स्टार्ट नहीं होगा, कॉस फोर से स्टार्ट हो चुका है ना, साइन थ्री से स्टार्ट हो रहा है और फोर के साथ जो आ रहा है वो क्यूब वाला टर्म आ रहा है। बस इतना ध्यान रख लेना, क्योंकि कुछ बच्चे थ्री साइन क्यूब लिख देते कई बार, जैसे यहाँ पे थ्री साइन क्यूब लिख देंगे और फोर साइन लिख देंगे, वो गलत हो जाता है, छोटी छोटी गलतियाँ एकदम। यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा माइनस फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस थ्री कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा प्लस, अच्छा देखो ये थ्री से स्टार्ट होगा ना, तो थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक है, अच्छा कॉस क्यूब माइनस फोर कॉस क्यूब क्या आ जाएगा? थ्री कॉस क्यूब अल्फा प्लस थ्री कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थ्री साइन अल्फा माइनस थ्री साइन क्यूब अल्फा अपॉन, अरे कैलकुलेशन है इतनी इतनी सी, तो कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, आप क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व किया करो। मतलब मैं तो टीचर का सॉल्यूशन देखता ही नहीं था, एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो वैसे ही करो आप भी। देखो यहाँ से कॉस कॉस कॉमन आके कट जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर? थ्री कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री, और यहाँ से साइन और साइन कट जाएगा, तो थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा माइनस तो नहीं आना चाहिए था बीच में, लेकिन आ गया है। अब आ गया है अगर, तो एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, साइन क्यूब ओ साइन स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे भी थ्री कॉस स्क्वायर आया है और वहाँ पे थ्री साइन क्यूब आया है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर आया है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर आया है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि यार ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, तो आंसर आपका थ्री आ जाता उस तरीके से, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके यहाँ माइनस थ्री कॉस क्यूब आएगा ना यार, ठीक है पकड़ा गई गलती, बढ़िया। थ्री प्लस थ्री सिक्स है ना, माइनस ये थ्री और ये माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे, तो माइनस थ्री कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो आ जाएगा सिक्स माइनस थ्री दैट इज थ्री। हाँ जी अमर, मैंने कर दिया उसका करेक्शन, आपका कमेंट देखा मैंने अभी, बिल्कुल रुकना नहीं है, स्टार्ट अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, प्रूव दैट फोर कॉस स्क्वेयर नाइन डिग्री माइनस थ्री इंटू फोर कॉस स्क्वेयर ट्वेंटी सेवन डिग्री माइनस थ्री इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा। ओके
आपको क्या करना है, फाइंड थीटा। ठीक है, अच्छा देखो एक बार ये 4 और 3 दिखा आपको, 4 3 देखते ही अपन समझ जाते हैं कि कुछ चल रहा है, दाल में कुछ काला है। और मेरे को भी पता चल गया दाल में जो काला है वो कॉस 3 a से रिलेटेड है। कॉस 3 a क्या होता है, 4 cos³ a, 4 cos³ a माइनस 3 cos a। अच्छा 3 cos a और ये कॉस क्यूब में से एक और कॉस चुरा लेते हैं और नीचे कॉस ए रख दो, तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि कॉस 3 a अपॉन कॉस a क्या होता है, ये होता है 4 cos² a माइनस 3। तो 4 cos² a, a क्या है पे 9 है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने 9 का ट्रिपल एंगल है 27 डिग्री अपॉन 9 डिग्री इटसेल्फ इनटू यहां पर क्या आ जाएगा 27 का ट्रिपल एंगल, तो 27 का ट्रिपल एंगल आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 27 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 27 और कॉस 27 कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस 81 अपॉन कॉस 9 डिग्री, कॉस 81 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री। ठीक है, अच्छा कॉस 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 9 डिग्री लिख सकते हैं, और इधर तो लिखा है कॉस ऑफ 9 डिग्री, ये हो जाएगा टेन ऑफ 9 डिग्री, और आपको क्या बोला है, दिस इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। तो थीटा आ जाएगा आपके पास 9 डिग्री। ठीक है, 9 डिग्रीज आएगा, ध्यान रखना है इस चीज का, फाइंड थीटा, थीटा का सिंबल थोड़ा बिगड़ गया। अगला क्वेश्चन लिखे, लेट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा। Then f theta is ठीक है, अच्छा ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, दूसरा ऑप्शन है लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल थीटा, थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल थीटा। और लास्ट ऑप्शन है लेस देन इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ट्राई करें, ये भी जेई का क्वेश्चन है, मेरे को ईयर याद नहीं है इसका। अच्छा आज थोड़ा सा स्क्रीन आपकी दिक्कत दे रही होगी ना, मेरे को बताना अगर ज्यादा बफरिंग आपको फील होती है तो। ओके हाँ भाई, देखते हैं अपन, बड़ा आसान क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। एफ थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin θ माइनस 4 sin³θ है ना। अच्छा बहुत बढ़िया, तो अच्छा यहाँ से आप 3 sin θ, साइन थीटा प्लस 3 sin θ कितना, 4 sin θ, और दोनों से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा आपके सामने sin²θ, और यहाँ पे क्या आ गया था 4 sin θ, ध्यान रखें ना 4 sin θ माइनस 4, एक साइन कॉमन ले चुका हूँ मैं तो साइन स्क्वायर बचेगा। अगर आपको फड़फड़ाहट हो रही है तो मेरा सॉल्यूशन ना देखते हुए आप खुद से सॉल्व करें, लेकिन एक स्टेप मैंने खाया है उसको आप खुद से करके देखो क्या दिक्कत है। अच्छा 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 sin²θ, 4 sin²θ इंटू 1 - sin²θ जो कि cos²θ हो जाएगा, तो आपके सामने आ जाएगा ये 4 sin²θ cos²θ, तो
ये तो कुछ होता है, क्या होता है ये 2 sin theta cos theta का होल स्क्वायर हो गया, 2 sin theta cos theta का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा sin 2 theta का स्क्वायर, ये आया आपके सामने f theta। अभी आप ध्यान से देखो f theta क्या आ गया, sin square 2 theta, मतलब sin 2 theta का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 तो हो ही सकता है ना यार, आप 2 theta की जगह क्या रख दो, 2 theta की जगह आप 0 degree रख दो, तो 0 तो हो ही सकता है। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, अगला टाइटल लिखेंगे। रिमेंबर है ना, इसको अपन कहते हैं 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा कंसेप्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। देखो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा आपको कभी भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में दिखे, क्या बोला मैंने, साइन ऑफ सम एंगल, फिर 60 माइनस वो वाला एंगल और 60 प्लस वही वाला एंगल, अगर आपको तीनों ये चीज मल्टीप्लाइड फॉर्म में दिखे तो ये होता क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली साइन ऑफ 3 theta upon 4, होल बाय 4 है ना, 1/4 sin 3 theta लिख देता हूँ मैं, चलो तो वो ज़्यादा आसान होता है समझने में, 1/4 sin 3 theta। इसका प्रूफ बहुत इजी है, प्रूफ अच्छा मैं एक प्रूफ आपको देने वाला था ऊपर, मैं भूल गया है ना, मेरे को अभी याद आया। देखो इसका प्रूफ अगर आपको करना है तो मैं यहाँ पे बस छोटे अक्षरों में ये लिख देता हूँ कि आप 3a को क्या लिख दो, साइन ऑफ 2a प्लस a, ठीक है, और इसमें आप साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, थोड़ा सा प्रोसीड करो, थोड़ी सी मेहनत करो, आपको डेफिनेटली आपका रिजल्ट मिलेगा, अगर आपको सच में प्रूफ करने की चुल है तो, नहीं है तो आप आंसर फॉर्मूला जो भी है वो डायरेक्टली याद रखें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी जो प्रूफ है वो मैं आपको थोड़ी देर से दूंगा क्योंकि मैं सारे फॉर्मूले लिखना चाहूंगा, है ना। अच्छा cos theta cos of 60 minus theta और cos of 60 plus theta, ये अगर दिख जाए तो जो theta है ना उसका ट्रिपल यहाँ पे वो ही होगा 1/4 cos 3 theta, लिख डालो यहाँ तक। अब इससे आपका थर्ड रिजल्ट काफी इजी बन जाता है, जस्ट डिवाइड बोथ ऑफ देम, तो डिवाइड करोगे तो tan theta, tan 60 minus theta और tan 60 plus theta, ठीक है, 1/4 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ tan of 3 theta। लिख डालो यहाँ पर, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं अपन, फिर मैं आपको इसके, इसमें कुछ एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो इसी साल आया था और लास्ट ईयर भी आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था तो मैं आपको वो कराऊंगा। अच्छा इसका प्रूफ देख लो आप, है ना, किसी एक का प्रूफ बता देता हूँ मैं, बाकी सारे प्रूफ एक जैसे, तो इसका अगर अपने को प्रूफ देखना है तो आप ये देख लीजिए प्रूफ क्या होता है। अच्छा आपको एक चीज़ ये पता होगी,
कि साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, ये मैंने आपको इस फॉर्मूला लिखवाया था, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी है ना, और बाहर जो साइन थीटा इसको रहने दो एज इट इज। तो साइन थीटा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन, ये बहुत ईजी होता है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। अच्छा साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 तो खूबसूरत है ना, मतलब इसका वैल्यू अपने को पता है, रूट 3/2 का स्क्वायर कितना, 3/4, तो 3/4 माइनस साइन स्क्वायर 60, और बाहर क्या है, साइन थीटा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 3 और 4 देखते हैं ना, दिमाग की घंटी बज जाती है कि यार ये 3 थीटा की डेफिनेटली कहीं ना कहीं से बात हो रही है। डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन, अच्छा ये साइन थीटा भी मल्टीप्लाई कर दो ना, किस बात की दे रही है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू साइन थीटा कितना आ जाएगा, 3 साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। तो ये ऊपर फॉर्मूला बन जा रहा है किसका, साइन 3 थीटा का, साइन ऑफ 3 थीटा बाय 4, हेंस प्रूफ। सेम आप कॉस में लगाइए और सेम आप टैन में, टैन में तो खैर लगाने की जरूरत ही नहीं, आप दोनों को डिवाइड कर दो ना, खत्म हो गया, ठीक है। चलो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन करते पहले, फिर दुनिया का दूसरा सबसे आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर दुनिया का तीसरा सबसे आसान क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई में आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपके पास ऊपर जगह बची होगी ना यहाँ पर, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा, अपन थोड़ा स्पेस यूज करेंगे वहां पे। बाय चांस आपके पास जगह नहीं बची तो आप आगे लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट था तो मैंने पहले सोचा कि ये पढ़ा देता हूँ ताकि मैं आपको आज होमवर्क दे पाऊँ, वरना अपन और कुछ पीवाईक्यूज करते आज। लेकिन अभी मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ा दिया तो अपन अब 5-10 मिनट और पढ़ सकते हैं पीवाईक्यूज। देखिए ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना है, इसका वैल्यू निकालना है बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो कॉस ऑफ 5 लिखा है, कॉस ऑफ 5, और ये क्या लिखा, 55, 55 मतलब क्या है, कॉस ऑफ 60 माइनस 5, और कॉस ऑफ 65 मतलब कॉस ऑफ 60 प्लस 5, ठीक है। अरे ये तो वाला फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, ये क्या होता है, ये होता है 1/4 कॉस 3 थीटा, 3 थीटा मतलब 5 डिग्री का ट्रिपल, 5 डिग्री का ट्रिपल कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, तो कॉस 15 डिग्री अपॉन 4। अच्छा कॉस 15 डिग्री में कोई याद भी है, दूसरा वाला होता था ना, ये का लिखा लिया के 2√2, अच्छा 2√2 और नीचे 4 है तो 8√2 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, ये निकालना है। देखिए ये भी काफी आसान, कोई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, सेकंड थॉट ही नहीं है। यहाँ पे आपको साइन थीटा दिखाई दिया, यहाँ पे आपको साइन ऑफ 60 माइनस थीटा दिखाई दे रहा होगा, 40 को आप क्या लिख सकते हो, 60 माइनस 20, और 80 को आप लिख सकते हो 60 प्लस 20, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, ये क्या होता है, 1/3 साइन 3 थीटा, 3 थीटा मतलब ये थीटा है ना, 20 का ट्रिपल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, और साइन 60 खूबसूरत है, अपने को पता है इसका वैल्यू, अरे सॉरी 1/4 होगा ना, क्या कर रहे हो, तो 1/4 इंटू साइन 60, साइन 60 इज नथिंग बट √3/2, तो ये आ जाएगा √3/8, अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan ऑफ 6 डिग्री, tan ऑफ 42 डिग्री। अब देखो क्या है ना कि दुनिया
इतनी भी हसीन नहीं है जितनी हसीन अपने को दिखाई गई है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने लगता अगर तो इस देश का हर बच्चा आईआईटी में बैठा होता ना, समझ में आ रहा है? तो आपको क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के ही देगा, वो घुमा फिरा के भी देगा तो उसका टेंशन नहीं लेना। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके आगे बढ़ा जाए। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टेन ऑफ 6 डिग्री, और इस एंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ, नथिंग। हाँ लेकिन ये वाले एंगल को मैं टेन ऑफ 60+6 बोल सकता हूँ। तो मैंने कहा कि सर सर टेन ऑफ 6 है, मैंने कहा ठीक है भाई बिल्कुल है, टेन ऑफ 60+6 डिग्री है। मैंने कहा ये भी सही बात है यार तुम्हारी, काश टेन ऑफ 60-6 होता तो मजा आ जाता। टेन ऑफ 60-6 मतलब टेन ऑफ 54, अगर टेन 54 होता तो मजा आ जाता। तो जब भी आपको गणित में मजा चाहिए तो उस चीज को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो टेन 54 डिग्री को मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खेल चालू हुआ है। अच्छा अब अपन क्या करते हैं, हाँ भाई ये आ गया अपना टेन 42 डिग्री और टेन ऑफ 78 डिग्री, सही बात है। अच्छा टेन ऑफ 42 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60-18 सोच के देखो, और टेन ऑफ 78 को क्या लिख सकता हूँ, 60+18, 60+18। तो मैंने सोचा कि 60-थीटा है, 60+थीटा है, काश टेन थीटा होता तो मजा आ जाता। वही मैथ्स में अगर मजा चाहिए किसी भी पॉइंट पे तो आप जिस चीज से मजा चाहिए आपको उस चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो टेन 18 की जरूरत है तो हमने टेन 18 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड किया। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर जो है वो कहानी कंप्लीट हो जाती है। टेन थीटा, टेन 60+थीटा, टेन 60-थीटा, क्या बनता है ये, 1/4, 1/4 टेन, अरे नहीं 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 1/4 थोड़ी होता है, टेन वाले में 1/4 नहीं आता है ना, माफ करना मुझे, टेन ऑफ 3 थीटा आएगा सिंपली। तो 6 का ट्रिपल आ जाएगा 18 डिग्री, सही बात है। अच्छा और ये नीचे टेन 54 इसको भूल मत जाना, हाँ जूते पड़ेंगे, इसको भूल मत जाना, सारे पैसे इसी के भाई। टेन 54 डिग्री, हाँ जी आ जाओ उस तरफ, उस तरफ क्या चल रहा है, टेन ऑफ थीटा माइनस 60-थीटा, 60+थीटा और टेन थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, टेन 3 थीटा। तो टेन ऑफ 3 थीटा, थीटा क्या बेटा यहाँ पे 18 डिग्री, 18 का ट्रिपल कितना होता है, 54 डिग्री। टेन ऑफ 3 थीटा अपॉन अपॉन में ये टेन 18 तो चल रहा है पहले से, तो टेन 18 को रहने दो, क्या बात है, जिंदगी अब हसीन हो गई। देख रहे हो थोड़ा सा स्ट्रगल करा आपने लेकिन लाइफ खूबसूरत है। डिश क्या डिश क्या डिश क्या डिश क्या, वन। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आएगा जेई में, फिर मैं बोलता हूँ कि वेट अ मिनट, रुको जरा सबर करो, लेट अस डू वन क्वेश्चन। लिखिए द वैल्यू ऑफ, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज, ठीक है चार ऑप्शन दिए गए आपको, 1/36, 1/32, 1/16 और 1/18। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेन 2019 में। ठीक है तो ये काफी रिसेंट क्वेश्चन है, 2 साल पुराना क्वेश्चन है। आई वुडन्ट बी सरप्राइज कि अगर कोई भी क्वेश्चन जो मैं आपको, ये सब क्लास नोट्स में करे हुए क्वेश्चन है भाई मेरे, ये सब अभी जो मैंने आपको 10 में कराया ना वही चीज साइन में पूछ रहा है आपसे। तो हमने बोला कि देखो साइन ऑफ 10 डिग्री है, देखते ही चमक गया ना यार। अरे यार देखो बेटा ये साइन 30 को तो भूल जाओ, साइन 30 तो हाफ होता है, खूबसूरत है ना इसको भूल जाओ। ये साइन 50 क्या है, 60-10 और ये 60+10, ये तो मतलब अपने क्लास में इससे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन ही करा था, ये वाला तो और ज्यादा आसान हो गया। साइन 10 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री को क्या लिख दिया मैंने, 60-50 डिग्री, और साइन ऑफ 70 को लिख दिया 60, अरे यार सॉरी 60-10 होगा ना,
गलती से मिस्टेक हो गया, साइन ऑफ 60 प्लस 10 डिग्री, और वहाँ पे साइन 30, साइन 30 तो हाफ होता है, इसको हटाओ। हाँ जी, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, क्या होता है? ये होता है 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। साइन ऑफ 3 थीटा मतलब साइन ऑफ 10 का ट्रिपल, 10 का ट्रिपल मतलब 30 डिग्री, क्या बात है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ, साइन 30 हाफ होता है ना, हाफ इंटू 1/4 1/8, 1/8 इंटू हाफ 1/16, खत्म। मतलब मेरे को ये क्वेश्चन आता है अगर जेई में, तो मैं हार्डली हार्डली 30 सेकेंड्स में इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो अपन आज शायद अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, मैं वही देख रहा हूँ एक बार कि अपने को कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगी जो थोड़े से सिमिलर हो। ठीक है, इट्स ओके। देखो, ऐसा पहली बार होता है 17-18 सालों में कि इतना आसान और इतना सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम क्लास नोट्स जैसा मिल जाए। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो 2019 से पहले आया ही नहीं था, कभी नहीं आया था, बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अब अपन आगे के क्वेश्चंस जो है वो कल करेंगे, है ना। अच्छा, मेरा मन था आपको एक क्वेश्चन देने का, तो एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, बट इस होमवर्क क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूँगा। मेरे पास तो वो फ्रीडम है, आपके पास नहीं है, थोड़ा दुख हुआ जान के। अरे यार, तो आई जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, फिर अपन एस एल लोनी का होमवर्क करेंगे। एस एल लोनी का भी आपको क्या होमवर्क करना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये 2018 का क्वेश्चन है। लिखो, इफ सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 8 cos x इंटू cos ऑफ 5/6 प्लस x इंटू cos ऑफ 5/6 माइनस x, 5/6 30 डिग्री होता है ना, 60 मत सोच लेना उसको, कुछ बच्चे एकदम से 60 सोच के आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन में। इन 0 टू पाई is k pi, then k is equal to what? Okay, try करें उसका 2/3 13/9 8/9। मेरे को आप याद दिलाना कल क्लास चालू होती कि, अच्छा कल तो ओपन पैराबोला पढ़ेंगे, 20/9 ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। हाँ, 2021 का बहुत आसान पेपर था जेई का, अगर आपने देखा होगा ईमानदारी से तो इट वाज द इजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ जेई। मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस की नहीं, एडवांस हुआ ही नहीं अभी तक। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसको आप सॉल्व करें, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है वो संडे को पढ़ेंगे, और फिर कुछ थोड़ा सा आपके पास साइन का कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड सम, ये दो कॉन्सेप्ट बचते हैं अपने पास, ग्राफ बचेगा थोड़ा सा, और फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। दे आर वेरी इजी चीज़, आपको सारे फॉर्मूले में पढ़ा चुका हूँ, तो सारे फॉर्मूले अपन याद कर लेंगे, एक भी फॉर्मूला इसके बाद आपको अब रटना नहीं है। ऐसे लोनी आपको क्या क्या करना है एक बार और बता देता हूँ, आपको ये करना है ऐसे लोनी का आज। तो
हाँ दिख रहा है आपको ये एग्जाम्पल, 19th इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि 19th अभी आप छोड़ दो, क्योंकि चलो ये दिख रहा है 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, बट फिर भी ठीक है। एक काम करो, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके सामने, तो आप स्टार्ट करें कहाँ से, 15 से, सॉरी 14 से स्टार्ट करेंगे। 11 अपन कर चुके, आई रिमेम्बर, 13 भी अपन कर चुके, 14 भी मैंने आपको दिया तो था, बट फिर भी ये चार आप कर लो, है ना, 14 15 16 17। आज पूरा दिन जिन्होंने पहले से कर रखा था उनका होमवर्क है, आप मॉड्यूल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 45, ठीक है। सारा होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा उसको मार पड़ेगी कल, ठीक है, एकदम स्क्रीन से घुस के मारूंगा। चलो कल मिलते हैं अपन, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। ओके, होमवर्क कंप्लीट करके रखें, क्योंकि दिस इज द लास्ट टाइम आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, इसके बाद आप कभी नहीं पढ़ोगे, है ना, इसके बाद सीधे आप जेई का पेपर दोगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। ट्रिग्नोमेट्री आप तब भी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तब आप रिवाइज करोगे बड़े बड़े चैप्टर्स। चलो देन, बाय एवरीवन, थैंक यू, सी यू टुमारो। कल अपन पैराबोला स्टार्ट करेंगे, ओके, रिज्यूम करेंगे मतलब।